Hello guys, this is Supriti Chaudhary and you are watching Kids Learning Education. Listen, read, write and speak. A complete e-learning education. Subscribe us and press the bell icon for more new videos. Our focus on watch, listen, write, read and speak. Let's start. आप मुझे डरा रहे हैं. आप मुझे डरा रहे हैं. You are scaring me. You are scaring me. यानी आप मुझे डरा रहे हैं. वह सबको डरा रही है. वह सबको डरा रही है. यानी शी इज केयरिंग एवरीबडी. शी इज केयरिंग एवरीबडी. वह सबको डरा रही है. मुझे डराना बंद करो. मुझे डराना बंद करो. स्टॉप स्केयरिंग मी. स्टॉप स्केयरिंग मी. यानी मुझे डराना बंद करो. मैं उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर. आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर. यानी मैं उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा हूँ. क्या आप अपनी बाइक से गिर गए? क्या आप अपनी बाइक से गिर गए? डिड यू फॉल ऑफ योर बाइक? डिड यू फॉल ऑफ योर बाइक? यानी क्या आप अपनी बाइक से गिर गए? आपका खून बह रहा है. आपका खून बह रहा है. यानी यू आर ब्लीडिंग. यू आर ब्लीडिंग. आपका खून बह रहा है. मेरा सिर घूम रहा है. मेरा सिर घूम रहा है. इसकी इंग्लिश कैसी होगी? माय हेड इज स्पिनिंग. माय हेड इज स्पिनिंग. यानी मेरा सिर घूम रहा है. मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी. मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी. आई रिस्क्ड माय लाइफ. आई रिस्क्ड माय लाइफ. यानी मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी. मैंने आपकी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी. मैंने आपकी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, आई रिस्क्ड माय लाइफ टू हेल्प यू. आई रिस्क्ड माय लाइफ टू हेल्प यू. यानी मैंने आपकी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी. मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पहुँचा. मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पहुँचा. That means I risked my life to get here. I risked my life to get here. यानी मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पहुँचा. जीवन बहुत अनमोल है. जीवन बहुत अनमोल है. इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, लाइफ इज वेरी प्रीसियस. लाइफ इज वेरी प्रीसियस.
So don't miss it. Enjoy your life to the fullest. Okay guys. तो जीवन बहुत अनमोल है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? लाइफ इज वेरी प्रीसियस. मेरा सिर मत खाओ, मेरा सिर मत खाओ. दैट मीन डोंट नैग मी, डोंट नैग मी, यानी मेरा सिर मत खाओ. मेरी नींद टूट गई, मेरी नींद टूट गई. इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी? माई स्लीप वॉज डिस्टर्ब्ड, माई स्लीप वॉज डिस्टर्ब्ड, यानी मेरी नींद टूट गई. मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए. आई डोंट वॉन्ट योर पिटी, आई डोंट वॉन्ट योर पिटी, यानी मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए. मैंने आपको उल्लू बनाया, मैंने आपको उल्लू बनाया. आई ट्रिक्ड यू, आई ट्रिक्ड यू, यानी मैंने आपको उल्लू बनाया. सच हमेशा कड़वा होता है, सच हमेशा कड़वा होता है. इसकी इंग्लिश क्या होगी? द ट्रूथ इज ऑलवेज बीटर, द ट्रूथ इज ऑलवेज बीटर, सो ऑलवेज पिक द ट्रूथ. सच हमेशा कड़वा होता है. दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है. दैट मीन्स समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी, यानी दाल में कुछ काला है. उसने खुद पर पानी डाल दिया, उसने खुद पर पानी डाल दिया. इसकी इंग्लिश क्या होगी? शी स्पिल्ड वाटर ऑन हिमसेल्फ, शी स्पिल्ड वाटर ऑन हिमसेल्फ, यानी उसने खुद पर पानी डाल दिया. कोट के बटन बंद करो, कोट के बटन बंद करो. बटन ऑफ द कोट, बटन ऑफ द कोट, यानी कोट के बटन बंद करो. कपड़े धोकर सुखाने को डाल दो, कपड़े धोकर सुखाने को डाल दो. इसकी इंग्लिश क्या होगी? डू द लॉन्ड्री एंड हंग इट आउट टू ड्राई, डू द लॉन्ड्री एंड हंग इट आउट टू ड्राई, कपड़े धोकर सुखाने को डाल दो. क्या जरूरत थी बोलने की, क्या जरूरत थी बोलने की. व्हाट वॉज द नीड टू स्पीक, व्हाट वॉज द नीड टू स्पीक, यानी क्या जरूरत थी बोलने की. जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो. व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ दिस? डोंट बी हैस्टी, डोंट बी हैस्टी, दैट मीन जल्दबाजी मत करो. तुमने सब गड़बड़ कर दी, तुमने सब गड़बड़ कर दी. यू मिस्ड एवरीथिंग अप, यू मिस्ड एवरीथिंग अप, यानी तुमने सब गड़बड़ कर दी. लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे. व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट ऑफ अस, व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट ऑफ अस, यानी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे.
सीधे होकर बैठो, सीधे होकर बैठो। सिट अप स्ट्रेट, सिट अप स्ट्रेट, यानी सीधे होकर बैठो। मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। इसकी इंग्लिश कैसे बोलोगे आप? आई डोंट फील लाइक ईटिंग, आई डोंट फील लाइक ईटिंग, मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने ये सब अपने आप किया, मैंने ये सब अपने आप किया। दैट मीन आई डिड इट ऑल ऑन माई ओन, आई डिड इट ऑल ऑन माई ओन, यानी मैंने ये सब अपने आप किया। चलो कुछ और बात करते हैं, चलो कुछ और बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, लेट्स टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, यानी चलो कुछ और बात करते हैं। यह किसी की गलती नहीं है, यह किसी की गलती नहीं है। दैट मीन्स इट्स नोबडीज फॉल्ट, इट्स नोबडीज फॉल्ट, यानी यह किसी की गलती नहीं है। बताने के लिए कुछ भी नहीं है, बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? देयर्स नथिंग टू टेल, देयर्स नथिंग टू टेल, यानी बताने के लिए कुछ भी नहीं है। उसे सच बताओ, उसे सच बताओ। दैट मीन्स टेल हिम द ट्रुथ, टेल हिम द ट्रुथ, यानी उसे सच बताओ। आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया, आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया। यू लेफ्ट द डोर ओपन, यू लेफ्ट द डोर ओपन, यानी आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया। किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ दिस? नो वन टुक इट सीरियसली, नो वन टुक इट सीरियसली, यानी किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसन रीड राइट एंड स्पीक, अ कंप्लीट ई लर्निंग एजुकेशन। सब्सक्राइब अस and press the bell icon for more new videos.